या तो बैठ जाओ या तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका कहना था कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, इतना सब हम लोगों ने किया है, हम लोग पहले पहले बड़ा मेहनत करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, हमारे दिल में ये है कि उनका निधन हो गया, ये सब सारी बात है, लेकिन कार्यक्रम ना करके लोगों को ये सब दिखाना ये पार्टी के वजह से ऐसा कर, पार्टी इतना नहीं कर रहा, ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप के इतने कर और ग्रुप के साथ बहुत सारे लोग और ये बहुत लोग आए, यहाँ बहुत पत्रकार आकर फोटो निकाल कर गए, कल क्या छापेंगे पता नहीं, लेकिन ये कार्यक्रम जो है मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम सिर्फ तथास्तु ग्रुप का है, कोई भी पार्टी का कार्यक्रम ये नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा मैडम, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो ये सबके वजह से बैठा हूँ, तथास्तु ग्रुप की वजह से बैठा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले चुका हूँ। पार्टी से जुड़े हुए दीपिका जी आज आपके साथ आपके मंच पर है, क्या आप चाहेंगे कि कभी वो आपकी पार्टी में भी एंट्री करें? वो भी दीपिका जी हमारे पार्टी में ही है, दीपिका जी हमारे पार्टी में ही है, भारतीय जनता पार्टी की ही सपोर्टर है, नहीं तो यहाँ पे नहीं बैठी होती। दीपिका जी आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं अपनी लाइफ में बहुत चुनाव लड़ रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करना और एक्ट में बहुत खुश हूँ, बस मुझे इस तरह से बुलाते रहे और मुझे लोगों से मिलने का मौका मिले, अपने फैन से इस तरह से बहुत ऐसा है कि कार्यक्रम और अच्छा भी होता। प्रवीण बाबू दरेकर आने वाले थे, MLA नरेंद्र मेहता जी आने वाले थे, नीलेश सोनी जी आने वाले थे, बहुत सारे लोग आने वाले थे, बहुत सारे लोग आकर भी गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं मीडिया से यही कहना चाहूँगा कि इसको इशू ना बनाए, ये कार्यक्रम हम लोगों ने दही हांडी का उत्सव मनाया, हमने उनको बहुत दुख है कि अरुण जेटली जी का आज हुआ, इतने समय से बीमार थे, बहुत कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, बहुत दुख है। जगह जगह पे बैनर पोस्टर लगा हुआ है कि घर हर घर में नल आ गया है, हर घर में पानी आ गया BMC की, आप बताएं आपके घर में BMC की पानी है कि नहीं? मेरा रोड देखिए मुझे बोला बिल्कुल गया था बट मेरे हस्बैंड ने बहुत तेज़ा लगा के अभी किया तो वो कह रहे फ्लोर नहीं खुद उगाऊंगा, बट ये है चीज़ और सबके घरों में हमें भी ऐसा बोला गया था कि हम करवा सकते हैं, बट अभी फिलहाल बच्चे छोटे हैं और अभी हमको
थोड़ा बुरा ही इसलिए नहीं भेद करना चाहते क्योंकि फाइनली बिल्डिंग के बनने से खुश है। बहुत 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 अच्छा लगा, जैसे कि मतलब वही शो मस्ट गो ऑन, आर्टिस्ट मतलब यही है चाहे लाइफ में कुछ भी चीज़ है, और बिकॉज इतनी सारी जनता आई, इतने प्यार से मिलने आई है, तो उनसे मिलना आना पहला धर्म था मेरा, और इतने प्यार से स्नेह से सब लोग मतलब आए हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, कहीं आगे बढ़ेगी तो, और इतना प्यार मुझे मिला है, इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग कि जितने भी पार्टी थे उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ में आगे आना ऐसा ऐसा फिर अगर मैं कुछ भी कर पाई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगता है जनता की जनता की उम्मीदें होती है नेताओं से, क्या उसके बिल्कुल बिल्कुल, उनको हर चीज़ पता रहती है, यू नो अपडेट रहते हैं, अवेयर रहते हैं और हर चीज़ को आगे बढ़ के इनिशिएट ले रहे हैं, और इतना अच्छा था उसको फाउंडेशन उन्होंने उसको खुद से जो है चला रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं डेफिनेटली। मैं फाउंडेशन की बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा करते हैं, बाकी अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बढ़ाएंगे और फाउंडेशन अच्छा करेंगे, जैसे आज दीपिका सिंह जी आई कल जाकर और भी बड़े बड़े आएंगे, लेकिन उनको खुलेंगे नहीं, जैन इन्वेस्टर इनको ही रखेंगे। और क्या कहना चाहेंगे आज प्रोग्राम को लेकर, आज के बहुत अच्छा लगा, किस तरह से यहाँ पर आज नई आंटी का प्रोग्राम रखा गया था, किस तरह से ध्यान रखा गया कि जो पब्लिक नज़र आ रही है, आप एक भीड़ नज़र आ रही है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये कार्यक्रम मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ, ये 6 साल, और हर साल मैं कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ाता हूँ, इस बार का पारितोषिक में मेरा 9,99,999,999 होगा। ऐसा है कि लोग बोलते हैं ये प्राइस आप देते हो क्या नहीं देते हो क्या, तो लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप एक बार करके देखो प्रोग्राम, फिर आपको पता चलेगा कि हम देते हैं या नहीं देते, ये एक इनाम है, आप अगर 9 तक पे वोट दोगे आपको इनाम मिल जाएगा, नहीं लगा पाते हैं जी बिल्कुल। मैंने 50% का कट रखा है, जो भी मैं सलामी में देता हूँ 50% में काट रहा हूँ, जो भी रहेगा मुख्यमंत्री बात चुनाव भी लड़ता हूँ ये वोट से, तो मैं आराम से जीत जाऊँगा, मुझे पता है मोदी जी का तो नाम है ही है, और हम तो इतने हैं मोदी जी उतने हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पे तो ज़रूर जीत जाएंगे, लेकिन हमारा काम भी है, हमने काम भी किया यहाँ पर, और मैं पिछले 6 साल से युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा, और मैं सबको साथ में लेकर चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा आज के दिन, क्योंकि बहुत दुखद निधन हुआ है। दीपिका जी, यहाँ दर्शकों को आपसे मिलने के लिए उनके पसीने छूट गए, साथ में आपके भी पसीने छूट गए, क्या कहना चाहेंगे इस भीड़ को देख? पसीने मेरे बार बार छूटे, हर रोज छूटे, और ये प्यार जो है इनका इस तरह से मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है, यही एक आर्टिस्ट की कामना होती है, यही उसकी प्रेयर होता है, और मैं तो लकी समझती हूँ, फॉर्चुनेट समझती हूँ कि भगवान ने मेरी सारी मनोकामनाएं और इतने सारे बच्चे आए हैं, आए हैं पार्टिसिपेंट जो अभी दही आंटी इतना ऊँचे पे जो है उसको फोड़ेंगे, और बस यही मेरी शुभकामनाएं कि जो भी बेस्ट है वो उसको जरूर वो जीते, और जो नहीं भी जीते उन्होंने जो ये करेज दिखाया है वो बहुत बड़ी बात है। राहुल जी ने जब आपने इन्वाइट किया था इस फेस्टिवल के लिए, दही आंटी प्रोग्राम के लिए जी, तो आपने क्या सोचा था, ये जो आप जब यहाँ आने के बाद जो आपने महसूस किया, आपने यही सोचा था? नहीं नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा था कि मतलब अब काफ़ी वक्त बाद मैं जो इवेंट पर आ रही हूँ, 2-3 महीने चले शूटिंग में बिजी थी, तो यहाँ बॉम्बे में मैंने इवेंट किया है काफ़ी वक्त से, तो मुझे नहीं पता था कि आज भी मुझे इतना ही बॉन्ड तो इतना ही लव सबसे मिलेगा, तो बहुत इमोशनल हुई मैं ये देख के, जिन भाई मेरे ब्रदर लोग मेरे साथ आए तो वो भी मतलब देख के स्टैंड हो गए कि नो स्टिल दिया बात ये कितना बेहतरीन शो था, बिकॉज ऑफ माय एक्टर्स और माय प्रोड्यूसर राइटर शशि मैम है, इतना बेहतरीन शो था कि वो लोग अभी तक भूल नहीं पाते हैं, और अभी भी मुझे जो है इतना प्यार स्नेह मिलता है किरदार निभाने के लिए, और अभी भी कवच महाशिवरात्रि को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, तो वो देख के
अच्छा लगता है। मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ श्रीकृष्ण को कि मुझे वो शो दिया उन्होंने और उसमें मेरा कास्ट हो पाया और मैं उसको बेहतरीन तरीके से कर पाई। टीवी शो के बहुत सारे कलाकार बॉलीवुड में भी एंट्री करें, क्या आप भी कोई डेब्यू करने के लिए सोच रहे हैं? आपको यही दिमाग में है कि शूटिंग करनी है और अपने बच्चे को थोड़ा टाइम देना है, शूटिंग करनी है और बच्चे को टाइम देना है। रात को जाती हूँ, एक दो घंटे में उसको जरूर खेलती हूँ। तो मुझे शूटिंग करनी है, मुझे काम करना है, दैट इज परफेक्ट है, मैं क्लियर हूँ। अब फिल्म हो या थिएटर हो या टीवी सीरियल हो या वेब सीरीज हो, आई रियली डोंट केयर, मैं क्या कर रही हूँ दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। मैं यही कहूँगी खूब खुश रहिए और खूब डांस करिए, जन्माष्टमी है उसको खूब फैमिली के साथ मिलकर खूब मनाइए और बहुत अच्छा, अब तो सेलिब्रेशन का टाइम शुरू हो गया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खूब खुश रहिए। हमें एक ही लाइफ चली है और इसको भी फुल जीना है, एक एक पल इसका जीना है। और अगर कोई जमीन पास में हो जाती है, पास को भूलकर टुडे में जिए और ना ज़्यादा कल की सोचे, बिकॉज आज अच्छा रहे।